आपने छपरा में प्ले स्कूल तो बहुत सारा देखा होगा, परंतु अभी जिस प्ले स्कूल में हम मौजूद हैं ये छपरा के बस स्टैंड के बिजली ऑफिस है उसके पीछे है। और इस प्ले स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ खेल खेल में बच्चों को अच्छी सुविधा दे पाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इस स्कूल में, जैसा कि हम देख रहे हैं हर चीज़ का आकृति लगा हुआ है, इससे तो एक बात क्लियर हो रही है कि बच्चों को सीखने में इन आकृतियों के द्वारा बहुत सारा मदद मिलेगा। आप हमें बताइए कि क्या सुविधाएं होगी बच्चों के लिए, और स्कूलों की अपेक्षा इस स्कूल में बच्चे क्या कुछ अलग सीख पाएंगे, क्या कुछ अलग सिखाया जाएगा? यस, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आपके आने के लिए थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ डीपीएस जीनियस, ये ब्रांड तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी स्कूल बहुत अच्छा होता है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, इन्हांस करते हैं, ड्यू टू देयर टीम, कि वहाँ की टीम कैसी है। तो हमारे यहाँ जो भी टीम है, जो भी स्टाफ हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो सारे दिल्ली से ट्रेंड हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड है, रांची से ट्रेंड है, वहाँ से एक्सपीरियंस्ड है। तो ये तो एक बेसिक थोड़ा बहुत मुझे डिफरेंस दिख रहा है। एंड जो भी चीज़ें मैम हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, वो प्लेवे मेथड से सिखाते हैं, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से सिखाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि एडुकेशन ऐसा दें कि बच्चे सेल्फ मोटिवेशन से, स्व प्रेरणा से सीखें, एंड उनकी मुस्कान हमेशा बनी रहे, हैं पढ़ने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ उनके कैरियर तक उनकी मुस्कान बनी रहे। अब बात आती है कि जैसे हम लोग कैसे सिखाते हैं, तो सपोज जस्ट लाइक एज ए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कोई स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी के माध्यम से हम लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, तो हम लोग एक लेते हैं बहुत ही फेमस स्टोरी कछुआ और खरगोश की स्टोरी सुनाते हैं। तो कछुआ और टर्टल एंड रैबिट का तो फिगर रहेगा ही, बट जब टर्टल एंड रैबिट अपनी रेस शुरू करते हैं तो वो जंगल से गुजरते हैं, तो जंगल का कॉन्सेप्ट देना, जंगल में कौन कौन से उन्हें जानवर मिलते हैं, जिसमें पेट एनिमल्स मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं, सपोज उन्हें शेर भी मिलता है वाइल्ड एनिमल, तो शेर का फिगर दिखाना, वो कैसे बोलता है, उसकी खास, मतलब ये छोटी 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 चीज़ें हम लोग करते हुए, उसके स्पेलिंग बताते हुए, एक्ट करवाते हुए, इसके थ्रू हम लोग स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे इससे जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग प्लेग्राउंड में ले गए, वहाँ मुझे सिखाना है सपोज शेप एंड साइज सिखाना है जस्ट स्टार्टिंग, तो मुझे सर्किल सिखाना है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ सर्किल एंड व्हाट इज़ सर्किल लाइक, तो सर्किल बना देंगे और उसमें बच्चों को ये तो बताएंगे दिस इज सर्किल, और उसमें फिर हम लोग इन एंड आउट का एक गेम करेंगे, कहेंगे कि बेटा जब हम इन कहेंगे देन अंदर जाना, आउट कहेंगे तो बाहर आना है, तो इन एंड आउट भी सीखे, सर्किल भी, तो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो इस तरह से प्लेवे मेथड से क्लास में भी इस तरह बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस, मतलब बच्चे जितना खुद से करके सीखे, तो ये चीज़ें मैम हम लोग बेसिकली ध्यान देते हैं, इस तरह से हम लोगों की स्टार्टिंग होगी। जी मेरा नाम हुआ डॉक्टर रेनू सिंह। ओके, थैंक यू। तो देखिए, कहते हैं कि जिस स्कूल का न्यू मतलब जिस घर का न्यू मजबूत होता है वो इमारत काफ़ी मजबूत होता है, उसी प्रकार इस स्कूल में भी जो प्ले स्कूल है इसमें काफ़ी अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, जैसा कि मैम ने बताया। और आप भी एक बार डीपीएस स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल पे भरोसा जता सकते हैं और अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं।